नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीटमेल टीवी। अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर स्ट्रीटमेल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीटमेल टीवी को सब्सक्राइब कर लें। हम कल से अफ़गानिस्तान के इतिहास, तालिबान के उद्भव और आज के तालिबान के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने अफ़गानिस्तान के इतिहास पर पहले एपिसोड में चर्चा की कि 1919 में अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को आज़ाद कर दिया और फिर वहाँ राजवंश की स्थापना हो गई और निरंतर तख्तापलट की घटनाएं घटती गई और आखिर में वहाँ के प्रधानमंत्री नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री ने, जो अमीन थे हफीजुद्दीन अमीन, उन्होंने जाकर तारिकी के घर जाकर फायरिंग की और प्रधानमंत्री तारिकी और उसके परिवार का कत्ल कर खुद सत्ता हथिया ली। ये तारिकी तो यूएसएसआर के आदमी थे और अमीन जो है यूएसए के आदमी थे। अब एक तरह से अफ़गानिस्तान में यूएसए का इनडायरेक्ट राज हो गया था। यूएसएसआर को ये बात कहाँ हजम होने वाली थी। यूएसएसआर की, जिसे रशिया भी कहते हैं, की सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती थी। उस वक्त यूएसएसआर एक बड़ा देश था, 15 स्टेट उसके साथ थी, बाद में तो उसका डिवीज़न हो गया, लेकिन जबकि ये घटना है उस वक्त यूएसएसआर था और उसकी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती थी। जैसे ही हफीजुद्दीन अमीन ने सत्ता हथियाई, रशिया ने अपनी थल सेना को अफ़ग़ानिस्तान में प्रवेश करवा दिया और धड़ाधड़ पूरे अफ़ग़ानिस्तान पर कब्जा करते हुए हफीजुद्दीन अमीन और उसकी सेना को ध्वस्त कर दिया। इस हमले में अमीन मारा गया। रशिया को लगा कि बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना अफ़ग़ानिस्तान पर कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन हमारा ये मानना है कि रशिया की ये बहुत बड़ी चूक थी। उसे लगा कि बड़ी आसानी से वो अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान की अगर आप ज्योग्राफी और डेमोग्राफी देखें तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, या रेगिस्तान के टीले हैं या पहाड़ हैं। पहाड़ पर कब्ज़ा करना बड़ा कठिन काम होता है और यही उसके साथ भी हुआ। उसका वास्ता अमेरिका के ट्रेन किए हुए मुजाहिदीनों से पड़ गया। मुजाहिदीनों के पास अमेरिका द्वारा दिए गए हथियार थे। अमेरिका ने अमीन की सत्ता लाने के लिए ट्रेन किए थे मुजाहिदीन और उन्हें हथियारों की सप्लाई की थी। ये सारे हथियार उन आतंकवादियों के पास थे। उन आतंकवादियों ने इन हथियारों से पहाड़ के ऊपर से रशिया की सेना को मारना शुरू कर दिया। थल सेना बिखरने लगी और आतंकी हावी होने लगे, तो रशिया को लगा कि इस तरह से तो बात बनेगी नहीं। उन्होंने एयरफोर्स को भी अफ़ग़ानिस्तान में डिप्यूट कर दिया। एयरफोर्स के जहाज़ों ने अफ़ग़ानिस्तान में आतंकियों पर हमले शुरू कर दिए। तो इधर से अमेरिका ने क्या किया, मुजाहिदीन को स्ट्रिंगर मिज़ाइल दे दी। स्ट्रिंगर मिज़ाइल का निशाना बहुत अचूक होता है, वो इंजन की गर्मी को भाप कर सीधा इंजन पर अटैक करती है। अफ़ग़ानिस्तान के लड़ाकों ने रशिया के जहाज़ों पर स्ट्रिंगर मिज़ाइल से हमला किया। देखते ही देखते यूएसएसआर की एयरफोर्स के अनेक जहाज इन लड़ाकों ने मार गिराए। यूएसएसआर को समझ आ गई कि इन पहाड़ों और टीलों पर इन आतंकियों से काबू पाना बहुत मुश्किल है। अंततः 1999 में रशिया में गोर्बाचोव का राज आ गया। वहां पर गोर्बाचोव की सरकार बनी। गोर्बाचोव सरकार ने कहा कि 10 साल हो गए हमें अफ़ग़ानिस्तान में गए हुए और कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हम अपनी सेना को वहां से वापस लेंगे। अब तक रशिया अपने 15,000 सैनिकों को गंवा चुका था। रशिया में इस बात का दबाव था कि वहाँ से अपनी सेना को वापस बुलाया जाए। ऐसा वहाँ पे क्या हमें हासिल हो रहा है
जो हम लगातार अपने जवानों को वहां पर गवा रहे हैं। इसी दबाव के चलते गोर्बाचोव सरकार ने वहां से अपनी सेना को वापस बुला लिया। जिस तरह से अमेरिका वियतनाम से खाली हाथ लौटा था, ठीक उसी तरह रशिया भी अफगानिस्तान से खाली हाथ उसकी वापसी हुई। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान पर आज तक किसी ने भी जीत हासिल नहीं की है। सिकंदर भी जब भारत आया था तो अफगानिस्तान को विजय नहीं कर पाया था। सिकंदर की मां ने भी पूछा था सिकंदर से कि इतने छोटे से देश पर तुम विजय प्राप्त नहीं कर पाते, क्या खास बात है। सिकंदर ने अफगानिस्तान की मिट्टी अपने गांव भेजी थी। जब अफगानिस्तान की मिट्टी उस गांव में पहुंची तो सिकंदर के गांव में ही लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। तब उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मिट्टी में ही कुछ ऐसी बात है कि इस मिट्टी में ही मारकाट बसी है, अफगानिस्तान तो बना ही मारकाट के लिए है। तो उसके बाद किसी ने कोशिश नहीं की। असल में बात यह है कि अफगानिस्तान में ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना कोई वहां पे उनकी कोई जीडीपी है, ना कोई उद्योग है, ना कोई शेयर मार्केट है, ना इन लड़ाकों के इन आतंकियों के कोई घर हैं। उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इसलिए जब वो जिससे लड़ते हैं तो पूरी जी जान से लड़ते हैं, उनको लड़ाई में मजा आता है, उनके लोग मर जाते हैं लेकिन वो कम नहीं होते। उस मिट्टी में उन लोगों के रशिया को भी समझ आ गया, यूएसए को भी समझ आ गया कि यहाँ पर जितने आतंकियों को मारोगे उतने ही नए पैदा हो जाते हैं। और इसीलिए रशिया के बाद यूएसए को भी यहाँ से आना पड़ा था। जब रशिया वहाँ से वापस आ गया तो वहाँ पे क्या हालात हो गए। हालात ये हो गए कि कबीलों में बट गए। जितने लड़ाके थे हर किसी ने अपने अपने अलग कबीले बना लिए। 20 गांव किसी ने काबिज कर लिए, 20 किसी ने कर लिए, 10 कोई हो गया, 30 किसी के पास हो गए। सब कबीले आपस में लड़ने शुरू हो गए, एक दूसरे पे कब्जा करना चाहते थे। तो हालात दिन प्रतिदिन अफगानिस्तान में रशिया की सेना वापस आने के बाद और भी खराब हो गए। वहां के लोगों को लगा कि इस तरह से तो बात बनेगी नहीं। उन्होंने कहा कि किसी एक को तो नेतृत्व सौंपना होगा। कुछ कबीले इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि ये देखा जाए कि किस व्यक्ति ने, किस संगठन ने रशिया की सेना से सबसे ज्यादा मुकाबला किया था। तब बात सामने आई कि तब वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रशिया की सेना के साथ मुकाबला किया। स्टूडेंट्स को वहां तालिब कहा जाता है। और फिर ये देखा गया कि उन स्टूडेंट्स का नेता कौन था। तब मामला सामने आया मोहम्मद उमर का, कि मोहम्मद उमर ही उन स्टूडेंट्स का लीडर था जिसने रशिया की सेना से मुकाबला किया। तो कबीलाई लोग मोहम्मद उमर के पास पहुंचे। मोहम्मद उमर तब तक मुल्ला बन चुका था, एक मौलवी बन चुका था, एक मस्जिद में नमाज अदा करता था। कबीलाओं ने उससे रिक्वेस्ट की कि हालात अफगानिस्तान के खराब हैं, आप ही इस मामले को फिर से काबू कर सकते हो। मोहम्मद उमर ने हाँ भर ली और उन्होंने स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा किया जिसे तालिबान कहा जाता है। इस दिन ही तालिबान का उदय होता है। मोहम्मद उमर ने तालिबान बनाकर जितने छोटे छोटे कबीले थे सबको खत्म करके अफगानिस्तान पर फिर से अपने राज की स्थापना कर दी। तालिबान का राज हो गया वहां पर अफगानिस्तान में, कबीले खत्म हो गए, तालिबान ने धर्म का राज, अपनी शरीयत को लागू कर दिया। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे में अमेरिका की एंट्री कैसे होती है अफगानिस्तान में, अमेरिका की सेना वहां पे कैसे आई, क्योंकि तालिबान तो बनाया ही अमेरिका का गया हुआ था। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि जो ओसामा बिन लादेन था उसको भी अमेरिका ने ही सऊदी अरब से अफगानिस्तान भेजा था रशिया की सेना से मुकाबला करने के लिए। लेकिन ओसामा अमेरिका से नाराज चल रहा था। जब इराक और कुवैत का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने सऊदी अरब में अपना बेस बनाया था एयरफोर्स का, वहां से उड़ाने भर भर के मिसाइलें फेंकी जा रही थी इराक पे। अमेरिका ने सदाम हुसैन को तो मार गिराया था, उसकी सत्ता को उसको छिन भिन करके अमेरिका ने वहां पे अपने लोगों की सत्ता स्थापित कर दी थी। ये बात ओसामा बिन लादेन को पसंद नहीं आ रही थी।
ओसामा कह रहा था कि सऊदी अरब जो है एक धार्मिक जगह है, जहां पर मक्का और मदीना है, वहां से अमेरिका का एयरबेस बनाना बिल्कुल गलत है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये मुस्लिम नियमों के खिलाफ है। ओसामा बिन लादेन नाराज चल रहा था, वह अमेरिका से बदला लेना चाहता था। उसने एक साजिश रचकर न्यूयॉर्क के ट्रेड टावर पर हमला किया, जिसे 9/11 कहा जाता है। हमला करने के बाद ओसामा फिर अफगानिस्तान में आकर छिप गया। अमेरिका ने वहां के तालिबान के शासक मोहम्मद उमर को कहा कि भाई हम ओसामा को हमें सौंप दो, लेकिन उमर ने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, अब ओसामा को हम नहीं सौंपेंगे, तुमने जो करना है कर लो। अमेरिका ने उमर को समझाया कि देखो अगर तुम ओसामा को हमें नहीं सौंपोगे तो हम अफगानिस्तान पर हमला करेंगे, हम अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करेंगे। उमर ने कहा तुम जैसे बहुत देखे हैं, इससे पहले रशिया भी ट्राई कर चुका है और भी बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके हैं, तुम भी अजमा के देख लो। जब ओसामा को उन्होंने नहीं सौंपा तो 2001 में अमेरिका ने अपना पाकिस्तान में बेस बनाकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और तालिबान से जंग शुरू हो गई। 20 साल हो गए इस जंग को चलते हुए, कभी तालिबान आगे कभी अमेरिकी आगे, अमेरिका ने भी हजारों सैनिक अपने इस जंग में गवा दिए, लेकिन उन्हें ओसामा कहाँ मिला? ओसामा मिला पाकिस्तान में। तो तब पाकिस्तान पर उंगलियां उठी, तो पाकिस्तान ने कहा भाई इस ओसामा को आतंकी बनाया किसने था? इसी अमेरिका ने तो बनाया था, आज हमारा नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है? ये सुनकर उस अमेरिका भी चुप मार गया, उसने ओसामा को मार गिराया और उसको दफना दिया समुन्द्र में जाकर, लेकिन तालिबान के साथ उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। 20 साल तक लड़ाई रखने के बाद अब पिछले जो राष्ट्रपति थे ट्रंप और अब जो राष्ट्रपति हैं यूएसए के बाइडन, दोनों को एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर अफगानिस्तान में उन्हें भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये जो लड़ाके हैं ये किसी के काबू आने वाले नहीं है, इनको जितना मारोगे उतने ही ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस पर यूएसए ने भी अपनी आर्मी को वहां से अब वापस बुला लिया है। और हुआ ये कि जब आर्मी वापस बुला ली अमेरिका ने, तो वहां पे अपनी बख्तरबंद गाड़ियां, अपने साजो सामान, सारे हथियार छोड़ के वो लोग तो अमेरिका चले आए हैं, लेकिन इन सारे हथियारों पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है और तालिबान ने इन्हीं हथियारों का प्रयोग करके अब वहां पर राज अपना बढ़ाना शुरू कर दिया है। और अब हालात ये हैं कि 85% जो हिस्सा है अफगानिस्तान का उस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब सवाल ये है कि भारत इन हालातों पर चिंतित क्यों है? भारत की तो अफगानिस्तान के साथ सीमा भी नहीं लगती है, भारत को चिंता करने की क्या जरूरत है? तालिबान ने भी कह दिया है कि कश्मीर जो इशू है ये भारत का इंटरनल मामला है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर हम चिंतित क्यों हैं? असल में हमें एक बात ये सताई जा रही है कि जिस दिन तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा हो जाएगा उस दिन पाकिस्तान अपना हिसाब मांगेगा तालिबान से, उसे कहेगा कि हमारी ISI ने जो तुम्हें मदद की है, जो हथियार दिए हैं, जो फंडिंग दी है, अब हमारा भी हिसाब चुकता करो। हिसाब चुकता कैसे होगा? पाकिस्तान चाहेगा कि जो तालिबान के लड़ाके हैं वो POK से होकर हमारे कश्मीर में घुसें और वहाँ पर जो कश्मीर वाले लोग जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी मदद करें। अगर तालिबान यहाँ कश्मीर में आता है तो भारत के लिए बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी, वहाँ पर पहले ही कश्मीरी लड़ाके भारतीय सेना के काबू नहीं आ रहे हैं, अगर तालिबान वहाँ प्रवेश कर जाता है तो ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी, हमारे भी सैनिकों का काफ़ी नुकसान हो सकता है, भारतीय सेना का काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेड की, भारत का और अफगानिस्तान का काफ़ी ट्रेड है, हमारा आयात निर्यात वहाँ से काफ़ी चल रहा है, हमने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया है और इस पोर्ट पर जाने का रास्ता भी अफगानिस्तान से होकर ही जाता है। अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा तो हमारे को जो हमने चाबहार एयरपोर्ट बनाया है उस पे हमें काफ़ी
नुकसान होगा और हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इससे भी एक बड़ी बात जो है, जिसका खतरा है, जिसका अभी भी हम दंश झेल रहे हैं, अफगानिस्तान वैसे तो अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए नशा हराम है, नशीले पदार्थों की खेती हराम है, लेकिन तालिबान का मुख्य जो धंधा है वो अफीम की खेती है। तालिबान के पास और कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है, तालिबान तो अफीम की तस्करी करके ही अपनी इनकम करता है, उसी पैसों से वो हथियार खरीदता है और उन्हीं पैसों से लड़ाई लड़ता है। वो अफीम की तस्करी आज भी भारत में कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, लेकिन जब पूरा तालिबान पे कब्जा हो जाएगा, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा, तो पूरे प्रदेश में अफीम की खेती बढ़ जाएगी, केमिकल नशा बढ़ जाएगा, उस सारे लोग वो जो अफीम की खेती है कश्मीर के रास्ते और इधर से पाकिस्तान पंजाब के रास्ते से होती हुई हमारे पंजाब में पहुंचती है। वहां पर पहले भी उल्टा पंजाब और बहुत बुरे हाल हैं। अगर यहां पर हमारे युवा और नशों में फंस जाएंगे और हमारा देश इस नशे से बर्बाद हो सकता है। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहां की पार्लियामेंट को हमने बनाया है, हमारे देश ने बनाया है, सारा इन्वेस्टमेंट वहां की पार्लियामेंट बनाने में हमने किया है, क्योंकि हम चाहते थे कि वहां पर लोकतंत्र जीवित हो, वहां लोकतंत्र की अपना एक संजीदा लोकतंत्र वहां पर स्थापित हो। हमने वहां पर 2 डैम बना रखे हैं जिससे अफगानिस्तान के लोगों को 45 मेगावाट बिजली मिलती है। हमने वहां पर सड़कें बनाई हैं, स्कूल कॉलेज बना रखे हैं ताकि वहां पर अफगानिस्तान के लोगों को फायदा हो। देहरादून की जो IMA की जो जहां पर ट्रेनिंग मिलती है, वहां हम उनके अफसरों को ट्रेन करते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करते हैं हम कि वहां के अफसर, मिलिट्री के अफसर वहां ट्रेन हो और जाकर वो तालिबान से लड़ाई लड़े। ये सारा हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार जा सकता है। हमने रशिया से हेलीकॉप्टर खरीद कर अफगानिस्तान को गिफ्ट दे रखे हैं ताकि अफगानिस्तान की एयरफोर्स मजबूत हो। हमने वहां के एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग दे रखी है और अब भी हमारी ट्रेनिंग जारी है ताकि हम वहां का जो वहां की सरकार है उनकी सरकार मजबूत बने और तालिबान को जो जबरन जो कब्जा करना चाहते हैं वो काबिज ना हो सके। अब सवाल यह है कि भारत के हाथ में सब कुछ तो नहीं है, वहां के जो हालात हैं वो तो तालिबान की फेवर में चल रहे हैं। तालिबान को चाइना भी अब इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे हालातों में अब भारत चुप तो नहीं बैठ सकता। भारत के पास अब विकल्प क्या है? पहला विकल्प तो भारत के पास सैन्य विकल्प है। भारत अगर किसी तरह से काबुल एयरपोर्ट पर या काबुल पर कब्जा कर लेता है तो हमारे पास बड़ी अच्छी हमारी फेवर पोजीशन आ जाएगी। फिर हम वहां से तालिबान से भी भिड़ सकते हैं और पाकिस्तान से भी भिड़ सकते हैं। काबुल में अगर हमारी स्थिति मजबूत हो जाती है तो हम वहां पर मुकाबले की स्थिति में आ जाते हैं, फिर हम पाकिस्तान को वहां से साध सकते हैं। फिर पाकिस्तान अगर कश्मीर में पंगा करता है तो हम काबुल से पाकिस्तान पर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सैन्य विकल्प को मानते हैं तो एक बात तो मान के चलिए कि हमारी तालिबान से दुश्मनी हो जाएगी, और अगर दूसरी बात सोचें तो तालिबान से हमारी दोस्ती भी कभी नहीं रही। तालिबान ने हमारा, अगर आपको याद होगा, वाजपेयी सरकार में हमारा जहाज नेपाल से किडनैप कर लिया था और अपने आतंकी छुड़वा लिए थे। तालिबान हमारा कभी दोस्त भी नहीं रहा। ऐसे में हमें सैन्य विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। अफगानिस्तान की सीमा के साथ ईरान लगता है, जहां हमने चाबहार पोर्ट भी बनाया है। ईरान में शिया मुसलमान रहते हैं और अफगानिस्तान में सुन्नी मुसलमान रहते हैं। शिया और सुन्नी की हमेशा से दुश्मनी रही है। अफगानिस्तान जब फ्री होगा, उसका अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाएगा तालिबान का, तो यकीन मानिए कि तालिबान चुप नहीं रहेगा। तालिबान कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। जिनको लड़ने की आदत है उसने उन्हें तो लड़ना ही लड़ना है। तालिबान के लड़ाके निसंदेह शिया मुसलमानों पर हमला करेंगे, और ईरान में शिया मुसलमान हैं और ईरान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ सकती है। हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, वहां के शिया मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर तालिबान
ईरान के साथ भिड़ जाता है तो निसंदेह काफी साल तक हमारे निकल सकते हैं। वहां शिया और सुन्नी अगर भिड़ते रहते हैं तो हमारी तरफ तालिबान का ध्यान नहीं जाएगा। एक और भी जरिया है तालिबान को उलझाने का, अफगानिस्तान की सीमा चीन के साथ भी लगती है। चीन का जो शिनजांग प्रांत है, जो शिनजांग स्टेट है, वो भी अफगानिस्तान की सीमा के साथ टच करता है। ये वो स्टेट है चीन की जहां पर उइगर मुसलमान है। उइगर मुसलमानों को चीन ने बंद कर रखा है, उनको होस्टेज बनाया हुआ है, उनकी दाढ़ी काट दी गई है, उन्हें धीरे धीरे कम्युनिज्म सिखाया जा रहा है, धर्म से दूर किया जा रहा है। अगर वहां के उइगर मुसलमान उग्र हो जाते हैं और तालिबान और उइगर मुसलमानों का आपस में गठजोड़ हो जाता है और तालिबान इन मुसलमानों को आजाद करने के लिए कोई कार्रवाई करता है तो चाइना और तालिबान आपस में भिड़ सकते हैं। अगर ये हो जाता है तो बहुत ही लंबी लड़ाई छिड़ सकती है, हम तब भी बच सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हमारे कहने से तो नहीं हो सकती, हम लोग कल्पनाएं कर सकते हैं। होगा तो वही जो हमारा देश का नेतृत्व चाहेगा। अब ये नेतृत्व पर है कि वो सही वक्त पर क्या फैसला लेता है, उसके फैसले से ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। अगर तालिबान को हम आजाद छोड़ देते हैं और निसंदेह वो हम पर भारी पड़ सकता है, हमारी सरकार को, हमारे नेतृत्व को इस बारे में सही समय पर सही फैसला लेना होगा ताकि हम और हमारी पीढ़ियां जो है एक सुरक्षित जीवन जी सकें। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र ही किसी और बड़ी खबर पर पंचनामा करेंगे, तब आपको उस खबर का डिटेल में जाकर बताएंगे। आपसे आग्रह है कि अगर आपने स्ट्रीट मिल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीट मिल टीवी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मिल पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलेंगे नई खबर के पंचनामा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।